चल ये वाला कलर ले लेते हैं पिस्ता, ठीक है फाइनल करते हैं फिर आईफोन 15 प्रो। शफीक मार इसको, तेरे भाई किसने मारा है, लेट्स गो फड़ी। 2 लाख रुपए का लैपटॉप हमारा, 2 लाख रुपए का। XS Space, इलॉन मस्क की कंपनी है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हम सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। शफीक मेरे भाई, तुम्हें चश्मा क्यों लगाया है? चश्मे के पीछे कारण है। शफीक को आई है आंख, जिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, थोड़ा सा आंख लाल लाल हो जाती है तो हमारे मतलब ऐसे लोकल में कहते हैं आंख आ गई। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को आंख आई है, अगर आपने उसको देख लिया तो फिर आपको भी आंख आ जाएगी। मैं तो नहीं मानता हूँ, देखा तेरा, मैं तेरा आंख में, वैसे मैंने इसकी आंख में आंख डाल के देखा है, इसकी आंख में आंखें डाल के देखूंगा तो मेरे को भी आंख आ जाएगी। कितने लोग मानते हैं कमेंट करके जरा बता। मैं तो नहीं मानता हूँ ये अंधविश्वास को। तू नहीं मानता तो नहीं होएगा, तो मानता तो होएगा। एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ ये वाला मैकबुक एयर, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम पड़ रही है। वीडियो एडिट के लिए मैं यूज करता हूँ फाइनल कट प्रो। फोटो एडिट के लिए मैं यूज करता हूँ लाइट रूम। थंबनेल बनाने के लिए फोटोशॉप यूज करता हूँ। ये सब चीज एक साथ में जब चलाता हूँ ना मैं, तो मेरा ये वाला मैकबुक एयर बहुत स्लो चलता है, इसीलिए अपने को थोड़ा सा स्पीड की जरूरत है। जैसे हमने KTM Duke 390 लिया मो पावर के लिए, उसी तरह से हमें ना अपने लैपटॉप में भी पावर चाहिए ताकि फटाफट सारी एडिटिंग हो जाए, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। गौरव जी, अगर किसी को आंख आ जाए, उसकी आंख में आंखें मिला लोगे तो आपको भी हो जाएगी आंख? भाई मैंने सुना तो है। कल तुझे बोल रहा था लेकिन मैकबुक प्रो लेने के लिए जाना है 14 इंच का, जिसकी स्पीड थोड़ी अच्छी है। M2 प्रो चिप है उसमें, इसमें M1 चिप है। उससे पहले हमारा बैकपैक आया है, मेरे पास अभी 3 बैकपैक है, एक वैंस का है, स्विस गियर के मेरे पास 2 बैग है। ये आया है मोखबरा, माँ का बोरानी, ये किसी का भी बोरा नहीं, मोको बारा। ये गिफ्ट है, करम भाई ने दिया था। करम भाई थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। चलो ओपन करो इसको। ये खटखट के चक्कर में, शफीक मार इसको, तेरे भाई किसने मारा है, मार इसको। ये हमारा न्यू बैकपैक होगा, ऐसे ठीक है, कूल लग रहा है ब्रो, कूल। चलो अब थोड़ा लाइफ में, जिंदगी में चेंज आएगा। डियर सरदार खान, हमें आप दे दो BMW की चाबी। बाकी चाबी किधर है? इसमें ट्रैम की चाबी नहीं दिख रही है। फॉर्च्यूनर तो समीर के पास है। टाइगर की चाबी सत्या के पास है। मेन चाबी जो है अपने पास एक बैकअप चाबी है। यस वो है, सारी अपनी गाड़ियां हैं। ये भी अपनी है, ये भी अपनी है। और भाई ये बाइक क्या चलती है ट्रैफिक में यार, एकदम गोली की तरह यहाँ वहाँ, और ब्रेक भी इतना बढ़िया है, क्या बताओ। बस वो एक इशू इसका सही हो जाना, उसके बाद तो मज़ा आ जाए। बट इस पर काफ़ी सारे काम करने हैं अपने को, PPF वापस लगाना है, क्योंकि PPF जो हमने बहुत टेम्प्ररी लगाया था, तो PPF को काम ठीक से हुआ नहीं, जल्दी जल्दी काम हुआ है। BMW पे भी थोड़ा बहुत काम करना था अपने को। ये बड़ी मछली, कोल स्टार्ट करते हैं। चल कान खड़े कर अपने, पूरा बिल्डिंग वाले जाग जाएंगे अभी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो बड़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या लगता है रुकाएगा अपने को नहीं रुकाएगा? 50-50% चांस, अगर उनकी मेरे पे नजर पड़ी तो शायद बोलेंगे साइड में लगाओ गाड़ी। ओहो, मैं भूल गया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। जब मैं KTM चला रहा था तो जो एक्सेलरेटर है थ्रॉटल, उसको फुल दबाते हैं तब जाके गाड़ी का फुल पावर निकलता है। इसका फुल पावर बहुत ज़्यादा ही है ना यार, पुलिस वाले को भी मानना पड़ेगा, धूप में काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में। ये नए लैपटॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। टेक्नोलॉजी अपने को पसंद है यार, मशीन्स अपने को पसंद है। क्या बोलते हैं, ग्राउंड मार के आए कि अपने रेस ट्रैक पे? वैसे जाना मुझे सीधा है रेस ट्रैक पे, काफ़ी गाड़ियाँ हैं आज तो। चार सिलेंडर, आई लव इट। देखो ना, ऐसे बाइक की जो आवाज़ है ना, वो 3 सिलेंडर के ऊपर वाली सिलेंडर अपने को पसंद है। जैसे टाइगर का आवाज़ भी क्या क्रेजी है 3 सिलेंडर, अबे 4 सिलेंडर में भी अलग अलग मशीन्स होती हैं, तो अलग अलग मशीन्स के अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकलती है। इनलाइन 4 का आवाज़ भी बहुत सही लगता है, वो भी बहुत सूदिंग है। ले लेके इनलाइन 4 का वो क्या कहते हैं। गए हम कार्टर रोड,
जब से मैंने ये टैंक ग्रिप लगाया ना, उसके बाद से बाइक चलाने का एक्सपीरियंस एकदम बदल गया भाई। अच्छा हैंडलिंग हो रहा है इस पे, और मुझे लगता है कि KTM पे भी लगाना चाहिए, बिकॉज उसका जो साइड का फेयरिंग है ना, वो बहुत ही ऐसे सिल्क जैसा स्मूथ है, तो उस पर ऐसे पैर टिकता नहीं, ऐसे स्मूथ फिसल जाता है। उसको तो पूरा काम करेंगे यार, उसको तो बनाएंगे एकदम छामिया जैसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे शोभ भाई? बढ़िया एकदम। वाह क्या गर्मी थी यार, अपने पंटर लोग पहले से रेडी है? हम लोग रेडी है भाई। शफीक तो चश्मे पहन के रहेगा ना अभी। तू ये चाहता है ना कि अपने जितने भी सब्सक्राइबर लोग अपने को देख रहे हैं, उनको ना उनको आँख ना आ जाए। हाँ दिखा दे एक बार, आँख दिखा, हल्के देख। आप सबको आँख आ जाएगी। ये है शोएब भाई, जब भी हम आते हैं शोएब भाई के पास, शोएब भाई सब तैयार रख दे। आज के दिन हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट अनबॉक्स करने हैं। ये बॉय हमारा नया लैपटॉप, नया मैकबुक प्रो, बहुत भारी है वैसे ये। 14 इंच मैकबुक प्रो विद एप्पल M2 प्रो चिप बराबर है। 16 GB का रैम, 512 GB SSD, 10 core CPU, 16 core GPU। शोएब भाई ये वही प्राइस है ना इसका, ऑनलाइन 2 लाख रुपए दिखा रहा ना? MRP 199,900। हाँ एंड 7% स्टोर डिस्काउंट। 2 लाख रुपए का लैपटॉप हमारा, 2 लाख रुपए का। अब आएगा ना एडिटिंग करने में मजा। इंग्रेव करके मैकबुक प्रो लिखा गया है भाई, इसको भी यहाँ पर सन्नाटा कट दिया हुआ है। कौन सा कट? सन्नाटा कट। अरे क्या बात है यार, क्या दिल खुश कर दिया आपने यार। एक के साथ 5 फ्री देना भी चाहिए, हम इतने लॉयल कस्टमर है यार, जब भी आते हैं मैपल में लेके जाते हैं यार। ये लो काटो पैसे, बूम हो गया पेमेंट। खर्चे बड़े होंगे क्योंकि अभी दिसंबर आ रहा है। ये 5 एक्सेसरीज हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले, जिसमें अडाप्टर काम की चीज़, वायर काम की चीज़, ये भी काम की चीज़, पावर बैंक है, ये भी काम की चीज़ है, ये क्लीनिंग, ये भी काम, सब काम की। तो मैकबुक लेके हो गया, तो जाते जाते हमारी नज़र पड़ी iPhone 15 पे। क्या बोलता है शफीक, लगे हाथ शगुन कर दिया जाए। ये प्रो का है ना? हाँ प्रो ही चाहिए अपने, बड़ा नहीं चाहिए। प्रो 1 TB पड़ रहा है, 184,900। क्या बोलते फिर, ले लिया जाए, खर्चा करने आए हैं तो कर लिया जाए। कलर कौन सा अच्छा लगा तुमको? मेरे को इसमें पिंक कलर अच्छा लगा यार, आजकल मेरे को पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी कलर अच्छा है, ये ट्रेंडिंग है। हाँ अबे ये भी ट्रेंडिंग है, अगर अपन लेंगे तो या तो ये कलर लेंगे या तो फिर ये वाला कलर लेंगे। चल ये वाला कलर ले लेते हैं, पिस्ता। ठीक है फाइनल करते हैं फिर iPhone 15 Pro। नहीं इस महीने ज़्यादा खर्चा हो गया, नेक्स्ट मंथ परचेज करेंगे। वैसे भी अपने को ज़रूरत नहीं है अभी, ये फ़ोन से तो अपना काम चल ही जा रहा है, सो जब ज़रूरत पड़ेगा तो आ जाएंगे। लेकिन लैपटॉप की ज़रूरत थी इसलिए लैपटॉप ले लिया, जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों। वैसे तो KTM की भी ज़रूरत नहीं थी। नहीं ज़रूरत थी, पावर की ज़रूरत थी यार, मतलब है ना, एक्सपल चला चला के बोर हो गया था। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो, समझ गए लोग। वर्ल्ड कप चालू हो चुका है भैया, ICC वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, इम्पोर्टेंट वो है। इंडिया में हो रहा है, किसका मैच आज? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट। सही है, देखेंगे मजा आएगा। वर्ल्ड कप किसके पास होगा? इंडिया, एक ही नाम गूंजता है इंडिया। खर्चे हो गए। अरे मिनी कूपर, अपना जट पुट जट था, उसने भी मिनी कूपर लिया। जट कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसे मचाते रहे। हम दुआ करेंगे कि अपने जितने भी दोस्त हैं सारे तरक्की करें, सारे महंगी महंगी चीजें खरीदें, सब आगे बढ़े मिलजुल के। ये बस वाले ना सुधरेंगे कभी। आपको मैंने बताया नहीं, तो मैकबुक प्रो के साथ मैंने इसकी वारंटी भी लिया है, तो उसके लिए लगभग कुछ 24-25 हज़ार पे करने पड़े। तो उससे क्या होता है कि 2 साल वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। ये वाला जो मैकबुक मैंने लिया है उसका अगर समझ लो डिस्प्ले गया ना, तो डिस्प्ले को बनाने का 90,000 खर्चा है, 90,000 भैया। और ये जो वारंटी मैंने लिया है उसमें कैसा होगा कि मुझे कुछ 8,900 पे करना पड़ेगा, फिर वो पूरा डिस्प्ले चेंज कर देंगे। तो डैमेज प्रोडक्शन के लिए मैंने लिया है और मेरे को वो चाहिए। हम क्या ट्रैवल करते रहते हैं तो कोई भरोसा नहीं, इधर उधर कुछ हो जाए, इसके लिए वारंटी पहले लेकर रख लिए, इंश्योरेंस कह सकते हैं उसको, ताकि अगर आगे चल के कुछ हो जाए तो क्या अपना ज़्यादा खर्चा ना हो। और मुझे अपने पे पूरा भरोसा है, इंश्योरेंस तो यार ज़रूरी है, मतलब चाहे बाइक का हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे खुद का हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी ने अपना इंश्योरेंस नहीं लिया है, पर्सनल इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो होता है, अगर नहीं लिया तो भाई ले लो, खुदा ना खास्ता कभी ऐसे हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े तो हॉस्पिटल वाले मुंह दिखाई के ले लेते हैं, अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। जितने भी राइडर हैं जो लॉन्ग राइड करते हैं या शॉर्ट राइड करते हैं, तो मैं तो बोलूँगा भाई सबसे पहले अपना मेडिक्लेम करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस, बिना सोचे समझे भाई, बिना सोचे समझे, ज़रूरी चीज़ है।
वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये चीज और दूसरा पैसे को बचा के उसको इन्वेस्ट करना चालू कर दो म्यूचुअल फंड में। बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ना थोड़ा सा रिसर्च करके किया करो, जो पैसे तुम बैंक में डाल रहे हो वही पैसे को म्यूचुअल फंड में डालो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 10-15 साल के लिए सेविंग्स करो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है भैया, ये जिंदगी की जरूरी चीज है, जब प्रमोशन होगा तो बता देंगे, ऐसे लिख देंगे पेड प्रमोशन। ये सूचना जनहित पे जारी है। ये हुई ना बात। घर पे आया था खाना खाने के लिए, मैच चालू है, इसमें से पत्थर निकाल रहे हो, तो फिर अच्छा वाला लेने का ना जिसमें पत्थर ना निकले। अच्छा वाला ये 50 रुपए वाला किलो, और उससे आगे कोई नहीं है। 60 रुपए नहीं आता है? 50 रुपए किलो में भी ये कंकड़ रहता है? कंकड़ नहीं रहते, थोड़ा बहुत तो निकलता है, कंकड़ नहीं है। 45 रुपए किलो से लाया, 5 रुपए कम करके। और फिर इसको चुन के आप इसमें डाल दोगे, फिर आटा हो जाएगा, फिर रोटी बनेगा। ये है सादा जीवन और बेहतरीन खाना, दाल चावल मछली और भाजी, अम्मी जान की मेहनत। अम्मी जान कुछ कहना चाहते थे? आओ इधर, इधर आओ ना, इधर आओ। हाँ मैं बोला ऐसे अच्छे से गए, अच्छे से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आपकी दुआ है, हर वक्त आप दुआ करते रहते तो फिर क्या होगा? इधर गया था वो आदमी लोग को, वो इंसान लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया है, इतना अच्छा से सम्मान के हमने वीडियो देखा है, अच्छे से देखा है। जैसे मेरे बेटा लोग, वो भी बेटा लोग है, सबको शुक्रिया, आगे भी ऐसे सिलसिला चलते रहे। सबकी दुआ प्यार सबको देना चाहता हूँ। जितने भी औरंगाबाद में हमें सब्सक्राइबर्स मिले थे, जितने लोगों ने भी हमारे लिए किया था, उसके लिए मैं तो ब्लेस्ड फील करता ही हूँ। लेकिन अम्मी जान भी जब वीडियो देखे तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। ये बहुत प्यार मिलता है हमें जहाँ पर भी जाते हैं। अल्लाह का लाख शुक्रिया, करोड़ों का एहसान है परवरदिगार, जितना भी अल्लाह का तारीफ करो तो कम ही चाहिए। हम जब उधर गए थे नोएडा में, हमारा बैग लेके चले गया था, वहाँ पर भी सब्सक्राइबर ने हेल्प किया। ये तो चीज बहुत है, ये तो अल्लाह हमारे कोई हेल्प करता, अल्लाह उनको भी हेल्प करे। किसी हेल्प ठीक है आपकी? हाँ, मेहमान लोग आने के बाद में अम्मी जान तो एकदम फुल ऑन लग चुके थे, अभी जाके थोड़ा फ्री हुए हैं, है ना? मेहमान आते तो पता नहीं क्या हो जाता आपको। घर का खाना खा के मजा आ गया। अम्मी जान के हाथों में कुछ तो जादू है यार, वो खाने में मैजिक ला देता है, मजा आ जाता है, क्या स्वाद आता है। नया लैपटॉप आया है तो अभी उस पर बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है फिर ये बन के चल। ये जो माइक है होली लैंड लॉक C1, ये होता है आईफोन के लिए, और ये है लॉक मार्क 1 होली लैंड का, ये होता है कैमरे के लिए। तो ये काफी टाइम से रखा हुआ था, तो अभी ये होली लैंड के माइक से बहुत इंप्रेस हुआ, तो मैं सोचा कि इसको भी यूज करें। ये तो सेम वैसे ही है जैसा हमारे आईफोन में मिला था हमें होली लैंड के साथ। इस तरह से ये कैमरे में लग जाता है, ये वायर लगाना पड़ता है, ये रिसीवर, ये माइक, ये लगेगा। तो अभी हमने माइक लगा के एक फुटेज रिकॉर्ड किया था जिसमें आवाज आई नहीं, जस्ट बिकॉज ये चार्ज ही नहीं है, इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, फिर बाद में चेक करते हैं। ये अपने को काम आ सकता है जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी हमारे गियर लिस्ट में एड ऑन हो चुका है। ऑलराइट, ये बॉय सेटअप करते हैं हमारा नया मैकबुक प्रो। पहले एक्सेसरीज अनबॉक्स कर देते हैं। क्लीनिंग क्लोथ, क्लीनिंग सॉल्यूशन, कार चार्जर, कूल लुकिंग पावर बैंक, नाइस। ये तो बड़े काम की चीज है। दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कवर निकाल के करना पड़ेगा। कवर के साथ हो गया तो ऐसे यूज करो, मौज करो। चलो कवर के साथ ट्राई करते हैं। कवर के साथ भी होता है दोस्त। इसमें देख टेक्नोलॉजी देख, 78% चार्जिंग, ऐसे देखा टेक्नोलॉजी स्पेस का ही है, एक्स स्पेस इलॉन मस्क की कंपनी है। क्या बात कर रहा है? हाँ। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है? आ चुकी है, हम यूज नहीं कर रहे। चश्मा पेन सारे सब्सक्राइबर को आंख आ जाएगी। टॉली बाल ठीक कर सन्नाटा। ये भी काम की चीज है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये भी काम का है। 20 वॉट आईफोन की चार्जिंग के लिए ठीक है। अब बारी है हमारे मैकबुक को।
इससे पहले वाला जो MacBook Air था उसमें C टाइप चार्जिंग थी, इसमें C टाइप नहीं है, इसमें ये मैग्नेट वाला है जो पहले आया करता था, ये वाला कहते हैं कि इससे फास्ट चार्ज होता है। लेट्स सी, इसका जो अडाप्टर है ये भी फास्ट चार्जिंग वाला है, तो मैं इसको एकदम प्रॉपरली सेटअप कर लेता हूँ। इसमें मुझे अभी फाइनल कट प्रो डालना है, फोटोशॉप, लाइट रूम, डिस्कॉर्ड, नोशन, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टिविटी ऐप है जो मुझे इसमें इंस्टॉल करना है, उसके लिए समय लगेगा। थैंक यू। दो प्रोडक्टिविटी ऐप है जो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि यूज़ करो, एक है टूडूइस्ट और एक है नोशन। नोशन एक ऐसा ऐप है ना, ये समझ लो कि तुम्हारा खुद का वेबसाइट, उसमें तुम सारे नोट्स, लिंक्स सब सेव करके रख सकते हो। तो मैं जितनी भी स्टडी करता हूँ ना, वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल नोशन में है। और टूडूइस्ट, जैसे अगर कोई काम करना है, कोई रिमाइंडर सेट करना है, जैसे दिन के काम है, वो सारा का सारा उसमें डाल सकते हो। तो ये दो बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों ऐप फ्री है, इसमें पेड वाले भी आते हैं, बट फ्री में काम मेरा हो जाता है। नॉट स्पॉन्सर्ड, जनहित में जारी। एक और एप्लीकेशन बताना भूल गया, स्पार्क। ईमेल क्लाइंट के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट है स्पार्क। ये भी आप अपने प्रोडक्टिविटी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। 3 hours later। ऑलराइट, तो अभी 10:15 बज रहे हैं और 10:15 बजे मेरा लैपटॉप का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उस पर बेसिकली एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाला काम था, तो अपना लैपटॉप फुल स्पीड में सेट है, अपनी बाइक भी फुल पावर में सेट है, अपन भी एकदम सेट। डेली व्लॉग करने को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो नेगेटिविटी से काफी दूर। और नेगेटिविटी मोबाइल में आती है, जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मोबाइल हाथ में ही नहीं है, मतलब कॉन्टेंट बनाने के लिए हाथ में, उसके बाद फिर वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल स्क्रॉल कुछ नहीं होता। बाकी कल के व्लॉग के लिए मैंने एक कविता लिखी है, कल के व्लॉग में क्या क्या होने वाला है उसके लिए। कल खुश होंगे हमारे मॉम, किसी पे तो गिरेगा बॉम्ब, खर्चे होंगे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कम कम कम, दे दना दन, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम, पू। होली लैंड लॉक C1, ये होता है, तो खाली डब्बा है।